हजारीबाग नवनिर्वाचित सांसद मनीष जायसवाल दिल्ली से बुलावा आने पर गुरुवार को हजारीबाग स्थित अपने आवासीय परिसर से माता पिता का आशीर्वाद लेकर दिल्ली के लिए निकले। घर से बाहर पहले से इंतजार कर रहे सैकड़ों समर्थकों से मिले और उनसे विदा लेकर आगे बढ़े। सांसद बनने के बाद मनीष जायसवाल पहली बार हजारीबाग से दिल्ली के लिए निकले तो हजारीबाग चरही मांडू भरेश नगर सांडी रामग्लास मरार रांची रोड और सुभाष चौक रामगढ़ में उनका स्थानीय एनडीए कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में उमड़े जनता के सलाम ने फूलमाला पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंटकर और अंग वस्त्र उड़ाकर गर्मजोशी से जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने मनीष जायसवाल भाजपा और एनडीए संगठन के समर्थन में खूब नारे जयकारे भी लगाए। समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी भी किया। सांसद मनीष जायसवाल ने चरही चौक पर शहीद जयवीर मेहता और रामगढ़ सुभाष चौक पर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मनीष जायसवाल संसद में कदम रखने से पूर्व पूरे रास्ते हजारीबाग से लेकर रामगढ़ तक लोगों से मिले तो जनता और नेता दोनों का चेहरा खुशी से खिला दिखा। रामगढ़ से झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे और क्वस रिजॉर्ट परिसर में भाजपा झारखंड प्रदेश इकाई के द्वारा आयोजित राज्य के नवनिर्वाचित सांसदों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के स्वागत समारोह से संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए, जिसके उपरांत भगवान बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची से अपनी पत्नी निशा जायसवाल के साथ दिल्ली के लिए उड़ान भरे। मौके पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद और समर्थन से दिल्ली जा रहा हूं। जल्द ही लौटकर पुनः क्षेत्र भ्रमण के साथ शिद्दत से जनसेवा के कार्यों में जुटूंगा। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट।